गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग्स इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज. अगर आपको एचटीएमएल टैग यूज करके ठीक है आपको एक वेब पेज के अंदर हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो आप कौन सा वहां पे HTML टैग यूज करोगे. तो सिंपल ध्यान देंगे वहां पे हम जाओ ए जो आपका HTML टैग है वो यहाँ पे यूज करेंगे. तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे. 121 क्वेश्चन देखिए. इन एनालॉग कंप्यूटर में याद रखो कि इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म. इनपुट को जहां कभी भी जाओ कन्वर्ट नहीं करते उसमें डिजिटल फॉर्म में. तो यहाँ पे जस्ट सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि ओनली टू जो स्टेटमेंट है यहाँ पे सही है. सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है. इसको ध्यान दीजिएगा. अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है कंप्यूटर के सीपीयू के लॉजिकल यूनिट का क्या उत्तरदायित्व है. तो सिंपल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका आंसर है आपका टू कंपेयर डाटा. सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि वो जो है डाटा को कंपेयर करेगा. ठीक है याद रखना है. नेक्स्ट देखिए MICR stands for मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे. ठीक है आप देखिए यहाँ पे विच प्रिंटर यूजेस लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टेटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर. देखो यहाँ पे जाओ कौन सा प्रिंटर प्रकाश पुंज और विद्युत स्थितिक संवेदी काले पाउडर का प्रयोग करता है. तो सिंपल लेजर प्रिंटर. तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे 124 का डी है. अब आगे देखिएगा यहाँ पे आपका जो 125th क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. तो रोम इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. आप देखिए यहाँ पे रैम है तो ये वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल रहता है. आप देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था यहाँ पे. 126th क्वेश्चन देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट. तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है आपका द्वितीयक जो भंडारण होता है उसमें जाओ कांस्टेंट पावर रिक्वायर नहीं होती है. तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है. लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक मीडिया का यूज होता है और ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को. ठीक है बाकी बाद में जो है रिट्रीवल किया जा सके. अब देखिए कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर 100 इट्स डेसिमल नंबर इज. ठीक है बाइनरी संख्या का इसकी दशमलव संख्या में रूपांतरण है. क्या रूपांतरण है इसका. तो यहाँ पे 74 सबस्क्रिप्ट आपकी जो 10 है. तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे. नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा विच इज द कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट टुगेदर कंट्रोल द ऑपरेशन ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम. तो सिंपल ध्यान दो कौन सा सिस्टम प्रोग्रामों का संग्रह है जो साथ मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम पर प्रचालन का नियंत्रण करता है. तो सिंपल ध्यान दो ऑपरेटिंग सिस्टम. ए ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे. अब देखिए Which is classified as low level language. इनमें से कौन सी जो low level language है. तो machine language is a low language, low level language. तो C option बिल्कुल right answer है यहाँ पे. ठीक है देखिए टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए. वहां पे मैंने बहुत सारी नोटिफिकेशन डाले आपको उसको जाए जरूर देखना है. अब देखिए when you install a new program on your computer, it is typically added to the. जब आप अपने कंप्यूटर में एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो तो कहाँ जाता है वो आपका ऑल प्रोग्राम्स जाता है. तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए विच टर्म इज यूज्ड इन एमएस वर्ड टू डिस्क्राइब द करेक्ट एक्ट ऑफ करेक्टिंग समथिंग. ठीक है एमएस वर्ड में कुछ सुधारने के कार्य का वर्णन करने के लिए किस पद का प्रयोग करते हैं. तो एडिट पद का वहाँ पे प्रयोग करते हैं. तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे. ठीक है बाय डिफॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इन एमएस एक्सेल इज. ठीक है देखो जो MS Excel में बॉय डिफॉल्ट जो सेल कंटेंट अलाइनमेंट होता है वो आपका टेक्स्ट लाइन लेफ्ट लाइन होता है और नंबर जो आपका राइट अलाइन होते हैं. तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे. ठीक है इसको ध्यान देना है. नेक्स्ट देखिए अ फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल स्लाइड्स दैट कैन बी यूज फॉर प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint इज कॉल्ड. देखो एक फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल स्लाइड होती है जिनका एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग किया जाता है उसको क्या क्या कहते हैं आप टेम्पलेट कहते हैं. क्या आप उसको कहते हैं टेम्पलेट. तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है. अब देखिए इन DBMS विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब्स हाउ डाटा इज स्टोर्ड. तो देखो DBMS में अमूर्तन का जो कौन सा स्तर है वर्णन करता है डाटा कैसे संभंडित हो. तो यहाँ पे फिजिकल लेवल जाकर हो जाओ आपका डिस्क्राइब करता हाउ डाटा इज स्टोर्ड. सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है. ठीक है नेक्स्ट देखिए
इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ डाटा विद इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम मे बी बेस्ट सुटेड टू। देखो कार्य सहभागी प्रणाली में डाटा का अन्योन्य क्रिया संचरण किसके लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है, तो हाफ ड्यूप्लेक्स लाइंस के लिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, 135 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यार, पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज। जब आप पर्सनल जाओ जर्नल एंट्रीज करते हो वेब के ऊपर इंटरनेट के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं आप, ब्लॉग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉग्स। ठीक है, इसको ध्यान देना है आपने, ए ऑप्शन राइट आंसर है। वॉर्म्स नॉर्मली मूव अराउंड एंड इनफेक्ट द अदर मशीन थ्रू। ठीक है, वॉर्म जो समाचार द्वारा डैश द्वारा अन्य मशीन के चारों ओर घूमते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नैंड गेट्स कैन बी यूज टू परफॉर्म विच टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो नैंड गेट हमेशा याद रखो, वो आपके नॉट और एंड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ए और सी बोथ यहाँ पे जाओ, अकॉर्डिंग टू एच पी एस एस सी आंसर की बोथ यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। अब देखिए, द कंपाइलर कन्वर्ट्स यूर सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन इन टू। जो कंपाइलर होता है वो आपका जो सी प्लस प्लस की इंस्ट्रक्शन को किसमें कन्वर्ट करता है, वो आपका ऑब्जेक्ट कोड में जो कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, इन एम एस डॉस सपोर्ट्स फाइल नेम्स टू अप टू 8 कैरेक्टर्स इन लेंथ। देखो एम एस डॉस में आपके 8 कैरेक्टर तक लंबे फाइल नेम का जो सपोर्ट करता है। ठीक है, एम एस डॉस जो आपका 8 कैरेक्टर तक लंबे जाओ फाइल नेम का जो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जाओ डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। तो ये थे आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आ गए हो। शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और यहाँ पे हम जो इंटरेस्टिंग जो वीडियोस होती है वो आपको लेकर आते हैं। जेबीटी कमीशन की जो हम यहाँ पे तैयारी भी कराएंगे अभी आगे। तो चलते हैं, अभी आज की वीडियो बस इतना ही है। तो ये आपका जो मैंने आज 140 क्वेश्चन जो कंप्लीट करा दिए हैं एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के, जनरली 939 का शायद पेपर था ये। तो जो JYT का जो पेपर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है 140 क्वेश्चंस कंप्यूटर के। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलता है। जय हिंद, जय भारत, आपके दिन शुभ हो, जय हिंद।